गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा हम जो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं 12th की मैथ का सबसे बढ़िया टॉपिक कैलकुलस। और उस कैलकुलस में सबसे पहले हम शुरू करेंगे इंटीग्रेशन, जो कि अच्छे वेटेज का है। इंटीग्रेशन और ये आपके बोर्ड एग्जाम में 24 मार्क्स का चैप्टर होता है। इस पार्ट में हम चार अलग अलग तरह के टॉपिक्स पढ़ते हैं। पहला पढ़ते हैं बेटा इंडेफिनेट इंटीग्रेशन। सेकंड टॉपिक डेफिनेट इंटीग्रेशन। थर्ड इज एओआई, इट मींस एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। और फोर्थ टॉपिक इज डिफरेंशियल इक्वेशन। देन इन फोर पार्ट से मिलकर आपका इंटीग्रेशन पूरा होता है। और ये जो इसका पहला टॉपिक है यही इसका मेन पार्ट होता है। मेन पार्ट इनडेफिनिट इंटीग्रेशन होता है। अगर ये आप अच्छी तरह से सीख गए तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आती और इन दोनों में भी कोई दिक्कत नहीं आती है। और इंटीग्रेशन इज नोन एज एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव और एक और नाम से इसे जाना जाता है, क्या बोला जाता है बेटा, प्रिमिटिव। इस नाम को भी ध्यान रखें, प्रिमिटिव प्रिमिटिव प्रिमिटिव। ठीक, एक चीज और, ये इसका सिंबल होता है, ये सिंबल होता है, इसका मीन होता है इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो इंटीग्रेशन हम इसमें अलग अलग तरह के चार टॉपिक्स पढ़ेंगे। पहला वाला फर्स्ट जो होगा वही इसका मेन पार्ट होता है, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन इज आल्सो नोन एज एंटी डेरिवेटिव और प्रिमिटिव। ये जो लिखा होता है इसका मतलब होता है इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हम आपसे शुरू करने जा रहे हैं इसका फर्स्ट पार्ट, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन। बेटा आज से शुरू करेंगे हम इसका इंडेफिनेट इंटीग्रेशन, जो कि इसका मेन पोर्शन होता है। अलग अलग इसमें टॉपिक्स आएंगे। तो सबसे पहले शुरुआत होती है बेटा, तो जब आपको इंटीग्रेशन शुरू करना हो उससे पहले ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले, डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले और इंटीग्रेशन के फॉर्मूले, सभी फॉर्मूलों को अच्छी तरह से लर्न करें, दो बार लिख के तीन तीन बार लिख के याद करें। ठीक, ओके। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन रूट एक्स प्लस वन अपॉन रूट एक्स स्क्वायर। फिलहाल हम इसका छोटे छोटे क्वेश्चनों से शुरुआत करेंगे। तो इस पे स्क्वायर है तो पहले हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर इस्तेमाल करा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, दैट्स इट। सिंपल से स्क्वायर ओपन कर दिया, देन यूज फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर अपॉन टू। कौन सा फॉर्मूला लगा बेटा, एक्स पावर एन वाला, इसका इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स का क्या फॉर्मूला होता है, 1 बाई x का इंटीग्रेशन क्या क्या होता है, मोड ऑफ x प्लस कॉन्स्टेंट का इंटीग्रेशन x, और साथ में c और एड होता चलता है। नंबर सेकंड, इंटीग्रेशन x टू x स्क्वायर x माइनस वन अपॉन x माइनस वन। सबसे पहले हम इस पे सिंप्लीफाई करेंगे इस एल्जेब्रिक फंक्शन को। इन दोनों में से क्या कॉमन है बेटा, आपका एक्स स्क्वायर कॉमन है, यहाँ बचेगा एक्स माइनस वन, इसमें से वन कॉमन ले लें, एक्स माइनस वन एक्स माइनस वन। बेटा डी एक्स को लिखना ना भूलें, ध्यान रखना, इसमें से भी कॉमन क्या है, एक्स माइनस वन। और इसमें एक्स माइनस वन से एक्स माइनस वन कैंसिल आउट, क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस वन इन टू डी एक्स। तो इंटीग्रेशन बड़ा आसान होता है
उसका खुद का यूज तो लास्ट में होता है, जो शुरू में होता है वो उसका मेन पार्ट होता है प्रोसेस। अब फिर फॉर्मूला यूज करें, एक्स क्यूब अपॉन थ्री, वन का एक्स प्लस, ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन है, और ऐसे तरह क्वेश्चन बोर्ड नंबर में, बोर्ड एग्जाम में एक मार्क्स का आता है, ध्यान रखना। नंबर थर्ड, इंटीग्रेशन टेन स्क्वायर एक्स, हम जो फॉर्मूला जानते हैं इंटीग्रेशन में वो टेन स्क्वायर एक्स का नहीं जानते, sec स्क्वायर एक्स का जानते हैं। तो इस टेन स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, sec स्क्वायर एक्स माइनस वन, और अब फॉर्मूला लगा दीजिए, sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स, वन का इंटीग्रेशन एक्स प्लस सी, ये क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। नंबर फोर्थ, इंटीग्रेशन कोट स्क्वायर एक्स, इसमें भी जो फॉर्मूला जाना जाता है वो कोट स्क्वायर एक्स का नहीं जानते, कोसेक स्क्वायर का जानते हैं, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, बेटा कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोट एक्स माइनस एक्स प्लस। तो जहां पर एलजेब्रिक फंक्शन आएंगे वहां बेसिक एलजेब्रा के फॉर्मूले लगेंगे, जहां ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएंगे वहां ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लगेंगे। इसी के लिए आप एक क्वेश्चन और, 1 माइनस कोस 2x अपॉन 1 प्लस कोस 2x, तो बेटा पहले ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लगाओ, इसका फॉर्मूला 1 माइनस कोस 2x का, 2 साइन स्क्वायर x 2 कोस स्क्वायर x कैंसिल, इंटीग्रेशन टेन स्क्वायर x, देन चेंज टेन स्क्वायर x sec स्क्वायर एक्स माइनस वन डी एक्स, और देन यूज द फॉर्मूले ऑफ इंटीग्रेशन sec स्क्वायर एक्स टेन एक्स माइनस वन एक्स प्लस। तो इस तरह से एक एक नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक दो क्वेश्चन और देखिए, क्वेश्चन नंबर सिक्स, इंटीग्रेशन वन अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, क्या करें बेटा, क्या वन लिखा है वहां क्या लिख दीजिए, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स, देन इनका सेपरेशन साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर कैंसिल कोस स्क्वायर कैंसिल, देन क्या रहा, वन अपॉन कोस स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स वन अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स, देन यूज द फॉर्मूले सेक स्क्वायर एक्स टेन एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोट एक्स प्लस सी, ये राजस्थान बोर्ड में आ चुका है, ये राजस्थान बोर्ड में आ चुका है। तो इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं जो आपके शुरू की एक्सरसाइज में लिखे हैं, इसी पर बेस्ड साइन क्यूब एक्स प्लस कोस क्यूब एक्स साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स। नंबर एट, साइन पावर फोर एक्स प्लस कोस पावर फोर एक्स साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, और नंबर नाइन, इंटीग्रेशन साइन पावर सिक्स एक्स प्लस कोस पावर सिक्स एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो ये सेम टाइप के आपके तीनों क्वेश्चन हैं। और नंबर लास्ट, नंबर टेन, इंटीग्रेशन वन प्लस साइन टू एक्स डी एक्स। तो ये सभी क्वेश्चन पेपर में एक नंबर में आने की दावेदारी रखते हैं, बड़े आसान से क्वेश्चन होते हैं। इंटीग्रेशन का यूज तो लास्ट की स्टेप पे किया जाता है, इनिशियल जो प्रोग्राम होता है पुराना होता है, एलजेब्रा यूज होती है, ट्रिग्नोमेट्री यूज होती है, सही तरीके से यूज करें, संभल के यूज करें, ठीक है। तो ये आपका इंटीग्रेशन की शुरुआत
इन सभी क्वेश्चनों को करके देखना। इसके साथ साथ आप लोग आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन भी करें। ये जो था हमारा, ये पहला था, फर्स्ट लेक्चर था, लेक्चर फर्स्ट। लेकिन इसके बाद कल हम आप इसका आगे का लेक्चर सेकंड शुरू करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।